नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंजन रहते हैं, कोई सा भी इंजन रहता है, उसके ऊपर जो टाइमिंग चेन रहती है, वो आवाज़ कर रही है, उसका क्या कारण रहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइमिंग चेन नॉइज़ है। तो मैं अपने मैनुअल के अनुसार आपको बता रहा हूँ, तो क्या क्या रीज़न होते हैं टाइमिंग चेन आवाज़ करने के और क्या क्या समाधान होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइमिंग चेन रहती है ना, उसमें चार पाँच पॉइंट आपको देखना है। सबसे पहले देखना है एक्सेसिव चेन स्लैकनेस। जिसके टाइमिंग चेन रहती है ना, उसके अंदर की जो स्लैकनेस रहती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। पहला कारण ये रहता है, इसकी वजह से आवाज़ करती है। दूसरा रहता है, टाइमिंग चेन टाइट तो नहीं है। ये टाइमिंग चेन रहती है वो टाइट तो नहीं है, उसकी वजह से ये ज़्यादा आवाज़ करती है। तीसरा रहता है, चेन गाइड ख़राब हो गई हो। तो ये चेन गाइड रहती है, ये क्या रहती है, ये ख़राब हो जाती है, उसी से चिपक के चलती है, घिस जाती है, उसकी वजह से भी ये टाइमिंग चेन आवाज़ करती है। टाइमिंग चेन स्पोकेट टीथ, जो टाइमिंग चेन के जो स्पोकेट जो टीथ रहते हैं, वो कहीं घिस तो नहीं गए हों, ख़राब तो नहीं हो गए हों, तो उसकी वजह से भी ये टाइमिंग चेन आवाज़ करती है। इसके बाद क्या रहता है, चेन टेंशनर जाम तो नहीं हो गया। तो इसके अंदर ये चेन टेंशनर रहता है, ये जाम तो नहीं हो गया हो, इसके अंदर का प्लंजर जाम तो नहीं होगा। तो ये छः मेन रीज़न रहते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव चेन स्लैकनेस, टाइमिंग चेन टाइट है, चेन गाइड ख़राब है, ठीक है, टाइमिंग चेन स्पोकेट की टीथ ख़राब हो गए हैं, चेन टेंशनर जाम हो गया। तो ये मेन काम रहता है। लेकिन अब जो टाइमिंग चेन की लंबाई बढ़ने के क्या कारण रहता है, ये तो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन की लंबाई बढ़ने के क्या कारण रहता है। तो सबसे पहला कारण रहता है, चेन टेंशनर सही तरीके से सेट नहीं है। जो चेन टेंशनर रहता है वो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है। दूसरा रहता है, चेन टेंशनर का प्लंजर जाम तो नहीं है। जो चेन टेंशनर रहता है, उसके अंदर का जो प्लंजर है वो जाम तो नहीं है। तीसरा रहता है, चेन टेंशनर का प्लंजर की लंबाई कम तो नहीं है। ये प्लंजर रहता है, इसकी लंबाई कम तो नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाता है। यहाँ पर यहाँ लगा रहता है चेन टेंशनर, ये प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये टाइमिंग चेन आवाज़ करती है। दूसरा, टाइमिंग चेन टाइट है, उसके क्या कारण रहता है, हो सकता है ये प्लंजर है, उसको पुश कर रहा है जोर से, तो उसकी वजह से ये टाइमिंग चेन टाइट है। तो चेन टेंशनर को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चेन टेंशनर का, उसकी वजह से ही आवाज़ ये टाइमिंग चेन टाइट रहती है। अब रहता है, चेन टेंशनर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है। तो ये चेन टेंशनर रहता है, ये प्रॉपर तरीके से सेट होना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद रहता है, टाइमिंग चेन के स्पोकेट टीथ ख़राब हो गए हैं। तो टीथ ख़राब होने के क्या कारण रहते हैं, ये टाइमिंग टीथ रहते हैं, ये क्या रहता है, नॉर्मल बियर एंड टियर होते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेन रीज़न रहते हैं। आप इनको किस तरीके से सही करोगे, सबसे पहले चेन टेंशनर को सही करना है। आप यदि देख रहे हो ये सब प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चेन टेंशनर को प्रॉपर तरीके से सेट करना है। यदि इसके अंदर के कोई पार्ट्स घिस गए हैं, ख़राब हो गए, तो आपको इसको बदलना है। दूसरा रहता है, टाइमिंग चेन का जो स्पोकेट रहता है, ये टाइमिंग चेन का स्पोकेट रहता है, उसके अंदर जो एलन की बोल्ट या नट जो लगे रहते हैं इसके अंदर, उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करना और लॉक टाइट का यूज करना था। ये लॉक टाइट क्या करते हैं, इसके अंदर अलग अलग ग्रेड के अलग अलग नंबर के लॉक टाइट आते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छे से फिक्स कर देते हैं। अब सबसे पहले और भी टाइमिंग चेन का क्या कारण रहता है, सबसे पहले इंजन ऑयल रहता है, उसकी वजह से भी क्या रहता है, टाइमिंग चेन की प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं होता है, इसकी वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो ये मेन रीज़न रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।